थाउजेंड वॉट का मोटरसाइकिल में ऑलरेडी यूज हो रहा है, अब ये मिड ड्राइव लग करके स्कूटर में, यहाँ पे ये मोटर लगेगा तो स्कूटर में भी यूज हो रहा है। अब इसमें आप, ये कॉमन है, इसमें 10 इंच का भी व्हील लगा सकते हैं, 12 इंच का भी लगा सकते हैं। आपको 12 इंच का गाड़ी में लगाना है 12 इंच में लगाओ, 10 इंच का गाड़ी में लगाना है 10 इंच में लगाओ, क्लियर। आपको मोटरसाइकिल का व्हील में लगाना है तो भी ऐसा सिस्टम से लगा सकते हैं, आपको कार के व्हील में लगाना है तो भी लगा सकते हैं, आपको रिक्शा के व्हील में लगाना है तो भी लगा सकते हैं, क्लियर। तो जहां चाहिए जो एप्लीकेशन रहेगा उसमें इस तरीके से फिटिंग किया जा सकता है। अभी ये 2000 वॉट एक मोटर टू व्हीलर के लिए सफिशियंट है। एक मतलब स्प्लेंडर में क्या रिजल्ट आ रहा है, एटी का स्पीड मिलता है, लोड कैरिंग कितना है, डेढ़ सौ टोटल, यानी दो आदमी बैठ के चला गया, 250 चला था, 250 किलो कितना स्पीड आता है, 80। 70 का स्पीड आता है, 250 किलो 70 का स्पीड। अब मोटर को आगे लगाया, स्पीड आधा किया तो लोड कितना लेके जाएगा, 500 किलो, 500 किलो तो रिक्शा 35 के स्पीड से आराम से चल सकता है, बराबर है। स्पीड 17-18 का किया, 1 टन वाला लेके जा सकता है, 1 टन का लोड कैरिंग 17-18 का स्पीड आएगा। स्पीड 8-9 का किया, 2 टन हो गया, स्पीड 4-5 का किया, 4 टन हो गया। तो पैदल चलने जितना ट्रैक्टर ट्रैक्टर का ट्रॉली भी चला सकता है, 5 का स्पीड से, 4-5 का स्पीड से चलेगा, जितना आदमी पैदल पैदल चलता है उतना चल जाएगा। अब जो उस इधर उधर इसके लिए फैक्ट्रीज के लिए जो जितने बैल वाले ये हैं उनको एक मोटर लगा के पीछे व्हील में दे सकते हैं ना, कि बैल को सपोर्ट, डबल सपोर्ट हो गया ना, बैल नहीं, स्पीड 4 का ही ना, जितना बैल का स्पीड है मैक्सिमम उतना ही। एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन वो कैसे कंट्रोल कर सकते अपना, जो दो पोटेंशियोमीटर आता है टोटल से वो 4 किलोमीटर पे लॉक करेंगे तो बैल गाड़ी है, ठीक है। तो ट्रैक्टर में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, पोर्ट में यूज कर सकते हैं, हर जगह पे यूज कर सकते हैं, हर गाड़ी में यूज कर सकते हैं। 2 किलोवाट का जहां एप्लीकेशन है वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसको मल्टीपल कर दिया मोटर्स को तो क्या होगा, तो अभी कार एक, ये मंथ एंड तक एक गाड़ी रेडी हो जाएगी डिजायर, उसमें 2 किलोवाट वाला 4 मोटर यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया, कार का भी कन्वर्जन। मतलब गोगो एवन के पास में 2 व्हीलर वो, 3 व्हीलर वो, 4 व्हीलर वो, कमर्शियल व्हीकल हो, बस हो, ट्रक हो, एक ही मोटर लगेगा, वो मॉड्यूलर सिस्टम में आएगा, और मॉड्यूलर सिस्टम में आने की वजह से प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ेगा, मॉड्यूलर सिस्टम में आने की वजह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट इजी होगा, मॉड्यूलर सिस्टम में आने की वजह से कॉस्ट कम होगा, मेंटेनेंस करना आसान होगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम बिजनेस आप कर पाएंगे, बराबर है ना। तो एप्लीकेशन कुछ भी आया तो डिलीवरी तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि वैरायटी आपने ज्यादा नहीं रखी है, वैरायटी फोकस्ड की, क्लियर। हाँ, अभी ये फिक्स हो गया अपना, एक बैटरी, एक कंट्रोलर, एक मोटर। अब मॉड्यूलर सिस्टम यानी क्या, ये एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, चार लगाया और मैकेनिकली इकट्ठा किया, एक आदमी ने कार को धक्का मारा और चार आदमी बाजू बाजू में खड़ा होकर कार को धक्का मार रहे तो क्या होगा, इंजन कैसा डिजाइन है, टॉर्क मिल जाएगा चार मोटर में लेकिन स्पीड बढ़ा नहीं, इंजन कैसा डिजाइन है,
फोर सिलेंडर इंजन है तो क्या करता है, फोर इंजन एक ही क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है ना, इंजन तो फोर है ना, वैसा ही कर रहे हैं हम, अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे खाली क्रैंकशाफ्ट आपका टेढ़ा मेढ़ा है, ये सीधा है, क्योंकि ये चारों एट ए टाइम काम कर सकते हैं, वहां पे स्ट्रोक अलग अलग लगता है, समझ में आ रहा है। तो ट्रक का ट्रक में 20 गाड़ी लगेगा, कार 1000 सीसी तक का है तो चार में काम होगा, अब 1000 सीसी है तो 6 लगेगा, और उसका भी स्टैंडर्डाइज एक बना रहे, आपको अटैच करते जाओ, 1 2 3 4, तो इसमें 3 व्हीलर का भी कन्वर्जन किट होगा, 4 व्हीलर का भी होगा, और यही मोटर कंट्रोलर आपके पास बैटरी पैक। अच्छा, बैटरी में कितना सहूलियत हो गया, अभी कार का बैटरी स्वैपेबल कर सकते क्या, नहीं कर सकते ना, बट इधर 4 मोटर आ गया या 6 मोटर आ गया तो 6 अलग अलग बैटरी पैक आ गया, 6 बैटरी उठा के रख सकते कार में, जिधर जगह स्प्लिट कर सकते, समझ में आ रहा है। 6 छोटा स्प्लेंडर वाला 6 बैटरी वो तो जिधर जगह उतनी मिल गई उधर मल्टीपल प्लेसेस पे लगा सकते हैं ना। अभी कार का बैटरी जो है, अभी कार में मेन प्रॉब्लम क्या है, चार्जिंग टाइम, चार्जिंग के लिए रुकेगा कौन, और चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे अवेलेबल है, इसमें आपको जरूरत है क्या, नहीं है ना, स्वैपेबल बैटरी सिस्टम हो गई। अच्छा, 6 बैटरी है तो 6 चार्जर भी अलग है, कहीं पे भी 5 एम्पियर प्लग में लगा दो, इधर एक लगा दो, इधर एक लगा दो, उधर एक लगा दो, तो कोई स्पेसिफिक पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, हाई करंट रेटिंग नहीं है, जनरल नॉर्मल, एक एक रूम में एक एक लगा दो, बस हो गया, क्लियर। तो सिंप्लीफाई करना, डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी को, डिफिकल्ट एप्लीकेशंस को जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो सर, ये बैटरी आप बोल रहे हैं इसको सीरीज में जोड़ के भी अपने एक ही बच्चे कर सकते हैं? हाँ, तो करंट ज्यादा लगेगा ना, तो वायरिंग उतना स्ट्रांग पीछे होना चाहिए ना, तो फिर पैरेलल में जोड़ दो, वोल्टेज नहीं मिलेगा, करंट ज्यादा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। स्प्लेंडर से लेके ट्रक तक एक ही मोटर, एक ही कंट्रोलर, एक ही बैटरी, ट्रक में बस में 20 मोटर 20 कंट्रोलर 20 बैटरी, पुणे टू मुंबई ढाबे पे रुका 10 मिनट में 20 बैटरी निकाला, 20 बैटरी दूसरा डाल दिया, भाग, क्लियर। और इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हर स्टेट का ट्रांसपोर्ट बसेस इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड कर सकते हैं, ड्यूअल मोड कर सकते हैं, और सामने अपॉर्चुनिटी रेडी है, कोई फंडिंग डालने के लिए रेडी है, तो अप्रूवल लेने की जिम्मेदारी हमारी, अप्रूवल के लिए ज़्यादा टाइम या अभी टेक्निकली उतनी एक्सपर्टाइज आ गई है कि अप्रूवल में हम अटक नहीं सकते, क्लियर। बट सामने, क्योंकि हर चीज में हम खुद इन्वेस्ट करके नहीं कर सकते ना, तो जिसके दिमाग में प्रोजेक्ट है, जो करना चाहता है, खाली उनके पास फाइनेंस होना चाहिए, मार्केट भी रेडी है, मार्केट भी रेडी है, टेक्नोलॉजी भी रेडी है, लाइसेंसिंग भी रेडी है, क्लियर। हेलो, तो जिसको जैसा उनका सपना रहेगा, कैपेसिटी रहेगा, वो हिसाब से लोगों को सपोर्ट करना। कोई स्कूटर बनाना चाहता है, ठीक है बनाओ, हम पूरा सपोर्ट। तो तीसरा काम क्या है, एक्सेलरेशन। अभी कन्वर्जन में क्या हो गया, 2 व्हीलर का हो गया, 2 व्हीलर का स्प्लेंडर का ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आज मार्केट को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 3-4 साल जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, सुटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, और 3-4 साल इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरल पब्लिक के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। पर्सनल यूज वाला कितना घूमता है, डेली का स्कूटर कितना घुमाता है,
20-30 किलोमीटर। अच्छा अभी हिसाब लगाओ 30 किलोमीटर रोज का महीने का कितना हुआ, और ये फ्रिक्वेंटली डेली भी नहीं होता है, महीने का कितना हुआ 1200 किलोमीटर साल का। चौदह हजार चार सौ अगर एवरीडे पकड़ रहे हम, एवरेजली वो 10,000 के अंदर ही आया जाता है टू व्हीलर का रन एवरेजली।